नमस्ते बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे 14 सिद्धांत जो कि फ्रॉल ने दिए। तो हम लोग ने इसमें 5 सिद्धांत पढ़ लिए थे, उसके बाद से भी स्टार्ट करना था। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से हम लोग रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का भी अगर आप भूल गए हो तो। पहला सिद्धांत था कार्य विभाजन। उसमें कार्य को विभाजित करके छोटे छोटे भागों में उन्हें विभक्त कर दिया जाता था, और उसके बाद किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को वो काम दिया जाता था। इससे होता क्या था कि कार्य प्रभावी ढंग से पूरा होता था और से स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता था कंपनी को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे। फिर उसके बाद दूसरा था अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो अगर आप कोई भी उत्तरदायित्व किसी को देते हैं तो उसी हिसाब से आपको अधिकार भी देना चाहिए, ताकि जो भी कार्य आपने दिया है वो सही समय पर पूरा हो पाए। तो अधिकार और उत्तरदायित्व में एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। फिर थर्ड था अनुशासन। तो अनुशासन में जो भी नियम है वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी नौकरी जिस शर्तों पर मिली है आपको, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। और इसे एक अच्छा माहौल बनता है वहाँ पर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जैसे शांतिपूर्ण तरीके से सारे काम होने चाहिए। आदेश की एकता। आपको जो भी आदेश मिल रहा है वो एक इंसान से ही मिलने चाहिए, एक सुपीरियर या एक जो भी अधिकारी उससे ही मिलने चाहिए। अगर एक से अधिक लोगों से आपको आदेश मिलते हैं तो ऐसे में एक सिचुएशन कंफ्यूजन भी हो जाती है कि आपको कौन सा कार्य पहले करना है, किसका कार्य करना है, किसका नहीं करना है। तो इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजिंग सिचुएशन ना हो, तो इसलिए आदेश की एकता कि आपको सिर्फ एक ही अधिकारी से ऑर्डर लेना है और वो कार्य पूरा करना है, और आप उसके लिए ही जवाब देने के लिए बाध्य है। ये था चौथा। उसके बाद फिफ्थ था निर्देश की एकता। यानी जो भी आपका संगठन है उसके लिए, जो भी आपका एक यूनिट है, जो भी आपका एक ग्रुप है, या जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है, वही आपका भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि अगर बहुत सारे समूह हैं तो उन सभी समूह में जितने लोग हैं उन सभी लोगों का उद्देश्य वही होना चाहिए जो कि समूह का उद्देश्य है। अब आते हैं हम लोग, ये आदेश एकता और निर्देश एकता में अंतर दिया गया है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, नॉर्मली सी है कि क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में। आदेश की एकता में एक सिंगल या एक अधिकारी से ही ऑर्डर लेना होता है। निर्देश की एकता यानी जहाँ पे भी एक तरह का काम हो रहा है जिनका समान उद्देश्य है, उनके लिए एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक ही योजना अधिकारी होनी चाहिए। और इसमें दोहरी अधीन स्थिति यानी दो लोगों के ऑर्डर या दो लोगों के अधीन होने की स्थिति को रोकता है ये। और दूसरा वाला निर्देश एकता या क्रियाओं के एक दूसरे पर आच्छादन रोकता है। फिर यह कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है या पूरे संगठन को प्रभावित करता है, क्योंकि तो निर्देश में इसमें पूरे समूह होता है और पूरा समूह एक संगठन से रिलेटेड होता है, और इसमें आदेश में सिर्फ एक व्यक्तिगत कर्मचारी की बात हो रही है कि उसे कितने लोगों से ऑर्डर मिलना चाहिए। अब आते हैं सिक्स प्रिंसिपल पे। तो सिक्स प्रिंसिपल है हमारा सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। सामूहिक हितों यानी जो समूह के हित है, यानी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो हित है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है। तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है जब आपको अपने हित का समर्पण करना होगा सामूहिक हितों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका इंडिविजुअली आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको जल्दी जल्दी अपनी सैलरी बढ़ानी है, और जो कंपनी है वो इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, कंपनी का लॉस चल रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। ऐसे में आपको जो आपको बढ़ी हुई सैलरी की जरूरत है उसे कुछ दिनों के लिए होल्ड पे रखना होगा, क्योंकि कंपनी इस समय फाइनेंशियली लॉस पे चल रही है, उसका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकती। तो ऐसे में आप कंपनी ना छोड़े और जो भी आपके हित है उसे कुछ समय के लिए समर्पित कर दें या थोड़ा सब्र रखें। तो इसमें यही कहा गया है कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। फ्योल के अनुसार संगठन के हितों को कर्मचारी विशेष के हितों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुल मिला के फाइनल बात यही होती है कि जब संगठन या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन, जब वो तरक्की करेगा तभी आप तरक्की करेंगे। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो आपकी सैलरी बढ़ा सकती है, आपके जो भी बाकी चीजें उन्हें बढ़ा सकती है, आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकती है। अगर कंपनी ही लॉस में जाएगी तो जो मैनेजमेंट है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तो कंपनी में कार्य करने में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई हित होता है, सभी कुछ ना कुछ सोच के वहां काम करते हैं। कंपनी के लिए भी अपने उद्देश्य होते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी अपने कर्मचारियों से प्रतियोगी लागत पर अधिकतम उत्पादन चाहेगी। कंपनी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, जो कर्मचारी वो चाहेंगे कि हम कम से कम काम करें और अधिक से अधिक वेतन प्राप्त करें।
दूसरी परिस्थिति में एक कर्मचारी कुछ ना कुछ छूट चाहेगा, जैसे कि कम समय में उसे काम करना पड़ेगा, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन आती है तो ऐसे में ये चाहिए कि अगर कंपनी का कोई उद्देश्य है और उसके लिए आपको अपने हित की कुर्बानी देनी पड़ रही है, समर्पण करना पड़ रहा है, तो उसे कर देना चाहिए। तो इसमें यह था सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों में समर्पण, तो ऐसा फ्रॉल का कहना था। अब नेक्स्ट है कर्मचारियों को प्रतिफल, यानी प्रॉपर रेमुनरेशन आपको देना चाहिए जो आपके कर्मचारी है। अगर आप अपने कर्मचारियों को एक फेयर वेज नहीं देंगे कि जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए एक जो जरूरी बेसिक आपको उतने पैसे देने चाहिए, उतनी सैलरी देनी चाहिए, अगर आप उतना नहीं दे रहे तो आपके कर्मचारी में एक तो मोरल बहुत डाउन हो जाएगा, उनका काम करने में मन नहीं लगेगा, वो सिर्फ मजबूरी में काम करेंगे जब तक उन्हें कोई और जॉब नहीं मिल जाती। तो ऐसे में आपके जो भी ऑपरेशन में बहुत सारे लोग काम छोड़ छोड़ कर जाने लगे, तो इस तरह की सिचुएशन ना है और सब कुछ अच्छे से बना रहे हैं, और अच्छा बना रहे हैं, कर्मचारियों का मन लगे, क्योंकि जब तक कर्मचारियों का मन नहीं लगेगा प्रोडक्शन, क्योंकि उन्हीं को करना है, तो प्रोडक्शन भी सही से नहीं होगी, कंपनी का ही फाइनली अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है। तो वो नुकसान ना हो, सब कुछ ठीक बना रहे, इसलिए कर्मचारियों को जो भी सैलरी है, जो भी रेमुनेशन है, जो भी वेजेस है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। और कर्मचारियों को इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि कम से कम उनका जीवन स्तर तर्क संगत हो सके, कम से कम वो अपनी बेसिक जरूरतें तो पूरी कर सके। लेकिन साथ ही यह कंपनी के भुगतान क्षमता की सीमाओं में भी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कंपनी की क्षमता बहुत कम है और वो फिर भी सैलरी बढ़ा बढ़ा कर दे रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखना चाहिए कि जितनी उसकी क्षमता है और जितना एक बेसिक वेज एक वर्कर को चाहिए होता है। फिर है नेक्स्ट केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। अब पहले समझ लेते हैं होता क्या है ये। केंद्रीकरण यानी केंद्र, एक केंद्र। सेंट्रलाइजेशन यानी जो पावर है, सारी अथॉरिटी है, वो किसी एक इंसान के पास ही होगी, वही सारे जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं, डिसीजन है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड वो लेगा। डिसेंट्रलाइजेशन या फिर विकेंद्रीकरण में ये जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, ये कई लोगों के पास बटी हुई होती है। तो ये दो सिचुएशन होती है या दो स्ट्रक्चर होते हैं, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण। तो फ्योल का कहना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ सेंट्रलाइज होना चाहिए और ना ही सिर्फ डिसेंट्रलाइज, बल्कि दोनों के कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर जैसे जो भी इम्प्लॉयज हैं, अगर वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं और संभाल सकते हैं, तो वहां पर विकेंद्रीकरण भी किया जा सकता है। और अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज है और वो कम पढ़े लिखे हैं, इतने काबिल नहीं है, तो वहां पर केंद्रीकरण होना चाहिए। बाकी ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है और ऑर्गेनाइजेशन कितना छोटा है। अगर छोटा है तो वहां पे केंद्रीकरण से भी काम हो सकता है, क्योंकि वहां पर कम चीजें और कम डिसीजन की सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो वहां पर बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डिपेंड करता है कि कैसा साइज है, किस तरह का काम है, तो उस हिसाब से। लेकिन फ्योर का कहना ये था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण सिर्फ एक नहीं होना चाहिए, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो केंद्रीकरण यानी वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, किसी एक के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और जो रेगुलर सॉर्ट ऑफ डिसीजन है, जैसे जो नॉर्मल डिसीजन है जो लेने ही पड़ेंगे डेली, अगर जो भी कंपनी का काम है उसके लिए, तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। तो निर्णय लेने का अधिकार यदि केंद्रित है तो उसे केंद्रीकरण कहेंगे, जबकि अधिकार यदि एक से अधिक व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहेंगे। फ्योल के शब्दों में अधीनस्थों का विकेंद्रीकरण के माध्यम से अंतिम अधिकारों को अपने पास रखने में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। बाकी केंद्रीकरण की सीमा कंपनी के कार्य परिस्थितियों में भी निर्भर करेगी। सामान्यतः बड़े संगठनों में छोटे संगठनों की तुलना में अधिक विकेंद्रीकरण होता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में पंचायतों को गाँव के कल्याण के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त निधि के संबंध में निर्णय लेने एवं उनको व्यय करने के अधिकार दिए गए हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा 9th पेज पर सोपान श्रृंखला। अब ये श्रृंखला क्या होती है, जैसे कि आपको कुछ कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन होने के लिए जो फ्योर है उन्होंने एक श्रृंखला बनाई है कि जो भी आपको कम्युनिकेट करना है वो आप इसी श्रृंखला के हिसाब से करेंगे। आप अपने सीनियर को करेंगे कम्युनिकेट जो भी बात है, फिर वो अपने सीनियर को करेगा, फिर वो अपने सीनियर को करेगा, फिर वो अपने सीनियर को, और फाइनली जो भी बात है वो एमडीए सीईओ तक पहुंच जाएगी।
तो फियोन में कहना यही था कि इससे फायदे क्या होते हैं, इससे एक तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, जो बात होती है वो हर एक को पता होती है, और ऐसा नहीं कि कोई बात बीच में ही गायब हो जाएगी कि किसी ने डायरेक्टली अपने सीनियर को ना बता के उसके सीनियर को बता दी, तो बीच वाले को तो पता ही नहीं कि बातें क्या चल रही है। इस तरह की सिचुएशन ना हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, और जो भी फाइनल जो भी बात हो रही है वो सबको पता हो, तो इसलिए फ्योर ने एक सुपार श्रृंखला बताई। तो रीड कर लेते हैं इसे। किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उच्चतम पद से निम्नतम पद तक औपचारिक अधिकार रेखा को सुपार श्रृंखला कहते हैं। फ्योर के शब्दों में संगठनों में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक हो, उसी के अनुसार प्रबंधक एवं अधीनस्थ होने चाहिए। आइए एक स्थिति को देखें जिसमें एक अध्यक्ष जिसके अधीन दो अधिकार श्रृंखला है, एक में क, 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 दूसरे में ये, फिर उसके बाद क्योंकि यह सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का पालन हो रहा है, तो ये है श्रृंखला। तो इसमें ये जो ए है ये है टॉप लेवल के ऑफिसर, एम सीईओ, एमडी या कुछ भी मान सकते हैं, और ये है सबसे लोअर लेवल पर एफ और टी। तो अगर एफ को कोई भी बात कम्युनिकेट करनी होगी ए तक, तो सबसे पहले एफ किसको बताएंगे, ई को, फिर ई किसे बताएंगे, डी को, डी बताएंगे सी को, सी बताएंगे बी को, और फिर जाके फाइनली ये बात पहुंचेगी ए तक। तो ऐसा नहीं है कि एफ डायरेक्टली जाके ए को बता दे, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई इनकेस इमरजेंसी होती है तो जो इक्वल लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉय है, जैसे डी एन, सी एम, डी एल, तो बी एल को बता सकता है, सी एम को बता सकता है, डी एन को बता सकता है, ई ओ को बता सकता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी, इसको कहते हैं गैंग प्लैंक, हिंदी में भी कुछ कहते होंगे इसे, अभी देखेंगे, इंग्लिश में इसे कहते हैं गैंग प्लैंक, कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उस केस में जो सिमिलर लेवल पे काम करे, सिर्फ सिमिलर लेवल पर ही, एफ पी, ये एफ पी को बता सकते, पी एफ को, ऐसा नहीं है कि जो पी है वो सीधा जाके एम को बता देगा, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं कर सकते। तो एक प्रॉपर जो श्रृंखला है उसे ही फॉलो करना है। ये था सोपान श्रृंखला। तो अब आते हैं हम लोग 10th पर, हाइलाइटर, व्यवस्था। अब आप किसी कंपनी में गए, वहां पर लिखा हुआ था, एक कैबिन था, वहां पर लिखा हुआ था सेल्स मैनेजर, तो आप वहां अंदर गए, तो वहां अंदर बैठा हुआ था फाइनेंस मैनेजर। तो आप नहीं, इस तरह की सिचुएशन अगर होगी तो काम कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। जिसको सेल्स मैनेजर से मिलना था तो वहां तो फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ, जहाँ फाइनेंस मैनेजर को बैठना था वहां पता चला मार्केटिंग मैनेजर बैठा हुआ है, जहाँ कुछ सामान चाहिए था वहां पर वो सामान है ही नहीं। तो इस तरह की व्यवस्था ना हो और प्रॉपर काम कार्य कुशलता से होता है, इसलिए जो इनका 10th प्रिंसिपल है वो है व्यवस्था, कि जो हर एक चीज है और हर एक इंसान है जो भी वहां पे काम कर रहा है, उसका एक प्रॉपर कैबिन होना चाहिए, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो बैठेगा, जहाँ पे वो कार्य करेगा, एक फिक्स जगह होनी चाहिए, और चीजों के लिए भी एक फिक्स जगह होनी चाहिए। तो इस तरह के एक प्रॉपर व्यवस्थित सिस्टम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी बैठने का कोई जगह नहीं, जो सबसे पहले आ गया वो सबसे आगे बैठ जाएगा या वो बेस्ट कैबिन में बैठ जाएगा, जैसे स्कूल में होता था ना कि जो सबसे पहले आया सबसे आगे बैठ गया, सबसे पीछे बैठ गया, उस तरह की सिचुएशन या ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो इससे बहुत ही मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाएगा, इससे जो काम है वो सही से हो नहीं पाएगा। तो फ्योल के अनुसार अधिकतम कार्य कुशलता के लिए लोग एवं सामान उचित स्थान पर और उचित समय पर होने चाहिए, हर एक चीज के लिए प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए, प्रॉपर एक स्थान होना चाहिए। तो ये था व्यवस्था में। उसके बाद आता है समता। अब समता क्या है, इक्विटी, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, जिसे सभी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सद्बुद्धि एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर इसमें समता में ये बात है कि जितने भी आपके कर्मचारी हैं उससे उनसे आपको समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के लिए बायस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एक कर्मचारी आपका दोस्त है तो आप उसके लिए ज्यादा फेवर्ड है, आप उसकी सैलरी बढ़ाए जा रहे हैं, सैलरी आपने खूब बढ़ा दी, दूसरे की सैलरी उतनी ही है, तो दूसरा जो है अपने आप डिमोटिवेट हो जाएगा। उसे जगह जब हम कुछ भी कर ले, फायदा तो उसी को होना है क्योंकि वो दोस्त है, तो क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए, ऐसा ना हो, तो इसलिए जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उन्हें आपको बराबरी ट्रीट करना चाहिए, बराबर उससे ट्रीट करना चाहिए, और कोई फर्क नहीं करना चाहिए, जो भी बात है सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। तो प्रबंधकों के श्रमिकों के प्रति व्यवहार
यह सिद्धांत दया भाव एवं न्याय पर जोर देता है, तो आपको न्याय करना चाहिए सबके साथ। प्योल यदा कदा बल प्रयोग को अनियमित नहीं मानता है, बल्कि उसका कहना है कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए शक्ति से व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को संदेश मिले कि प्रबंध की निगाहों में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम आप बिल्कुल न्याय करने के चक्कर में कुछ शक्ति की नहीं कर रहे हैं, जो लेबरर्स है वो बैठे हुए हैं कुछ काम ही नहीं कर रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, आप बैठे बैठे देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्लीज काम कर लो, कर ही नहीं रहे। तो ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आप प्रॉपर शक्ति रखिए, आपको भी काम करवाना है, आप भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो शक्ति रखनी चाहिए। और जो भी प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश पहुंचे कि प्रबंध की निगाहों में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। और किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी आप क्या काम कर रहे हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, जो है कर्मचारियों की उपयोगिता। प्योल के अनुसार संगठन की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की आवर्त को न्यूनतम किया जा सकता है। कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति विचित एवं कठोर प्रक्रिया के द्वारा की जानी चाहिए, और लेकिन चयन होने के पश्चात उन्हें न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए पद पर बनाए रखना चाहिए। तो इसमें ये कहना है इनका, प्योल का, कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी कर्मचारी का चयन किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे जॉब दी, फिर बेचारा वो अभी सेटल ही हुआ था, एक तो महीने हुए थे, वो समझ रहा था क्या काम कैसे होना है, कौन सा काम कब करना है, क्या सिस्टम है यहाँ का, तभी आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर कर दिया तो एक तो उसका टाइम वेस्ट हुआ, इतने दिनों से समझ रहा था वो बेचारा, जितनी चीज उसको समझ में आया, तो काम करना शुरू ही किया था सही से, लेकिन आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, उसे फिर से वही सब चीजें समझनी होगी, जहाँ पे वो नई जगह जा रहा है वहां पर सेटल होना होगा, उसे मेंटली तैयार होना होगा, फिजिकली, तो इससे बहुत सारी चीजें हो जाती है जिससे कर्मचारियों का मोरल डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और उन्हें प्रॉपर एक समय के लिए प्रॉपर जॉब देनी चाहिए, ना उनका ट्रांसफर जल्दी किया जाना चाहिए, ना ही टर्मिनेशन, हाँ जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो तब तक टर्मिनेशन भी नहीं करना चाहिए। तो उन्हें कम से कम कोई निर्धारित अवधि तक के लिए उन्हें उनके पद पर बनाए रखना चाहिए। उन्हें परिणाम दिखाने के लिए उपयुक्त समय भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंसान जॉब वहां करना पसंद करता है जहां उसे पता है कि हाँ यहाँ जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पे जल्दी काम से निकालेंगे नहीं, तो एक फ्री माइंड से वहां पर काम करते हैं। तो इस तरह के लिए असुरक्षा ना पैदा हो कर्मचारियों के मन में, तो क्योंकि इस तरह की सिचुएशन होगी और उन्हें लगेगा कि उनका कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, उनका कभी भी टर्मिनेशन हो सकता है, तो वो टर्मिनेशन या ट्रांसफर आप करें ना करें उनके मन में ये बात रहेगी, और वो पहले से ही कोई ना कोई जॉब ढूंढनी शुरू कर देंगे, और जैसे उन्हें कोई बेटर जॉब मिली, या कम से कम वहाँ बेटर नहीं तो कम से कम वहाँ जॉब सिक्योरिटी ही दिखी कि हाँ वो लोग जॉब से निकालते तो नहीं कम से कम, तो वो आपकी कंपनी छोड़ के वो उधर चला जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन ना हो, इसलिए प्रॉपर एक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए कर्मचारियों के कार्यकाल को लेकर। उसके बाद 13, पहल क्षमता यानी पहल करना। तो फ्योल का मानना है कि कर्मचारियों को सुधार के लिए अपनी योजनाओं के विकास एवं उनको लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी जैसे जो मैनेजमेंट है उसको मौका देना चाहिए कर्मचारियों को कि वो भी कुछ पहल करें, जैसे कि कुछ कोई एक फैसला लेना है मैनेजमेंट को, तो वो लोग जो कर्मचारी उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि उनका कोई सजेशन है या नहीं, या वो कुछ कहना चाहते हैं, या उनके मन में कोई बात है, या कोई डिसीजन नहीं भी लेना है तो भी वो बीच बीच में इस तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपस में कोई मीटिंग कर सकते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं, ओकेजन कुछ भी इवेंट रख सकते हैं, वहाँ पे वो लोग कर्मचारियों के जो भी सजेशन है काम को लेकर, या किस तरह उनकी सिचुएशन और बेटर की जा सकती है, किस तरह कंपनी को और फायदा हो सकता है, या कंपनी और मैनेजर से रिलेटेड या कर्मचारियों से रिलेटेड कोई भी बात है तो उसका इनिशिएटिव ले, वो बताए उस बारे में, सजेशन करे, सजेशन दे। तो इसमें यही था पहल क्षमता। पहल क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको अपने आप को कुछ भिन्न दिखाने के लिए कंपनी की स्थापित रीति नीति के विरुद्ध कार्य करें। पहल क्षमता बहुत अच्छी बात है, प्रोत्साहित करना चाहिए, लोग अपनी योजना पर विचार करें, नई नई चीजें बताएं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कंपनी के पहले से जो पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट ही काम करने लगे। पॉलिसीज कुछ कहने की आपको 6 घंटे काम करना है दिन में, कर्मचारी सजेशन दे रहे हैं नहीं 4 घंटे ठीक है, बहुत 4 घंटे वो थक जाते हैं,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ 6 घंटे है तो आप कुछ और बता सकते हैं, कुछ और सजेशन दे सकते हैं कि आप 6 घंटे में हमें जो ब्रेक है वो इस ड्यूरेशन में मिलना चाहिए, या कुछ ऐसा चेंजेस कर दें, शिफ्ट में काम करना चाहिए, जो भी उन्हें लगता है। लेकिन वो ऐसी भी चीजें नहीं होनी चाहिए जो उनकी पॉलिसीज के ही खिलाफ हो। और एक ये भी है कि अगर मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो चीज माननी ही होगी सबको, वो बाइंडिंग है, उसमें ऑप्शन नहीं है कि नहीं ये सही नहीं है या ये हम फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसा भी नहीं। अगर मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो बाइंडिंग है सबको, और सबको उसे फॉलो करना चाहिए। लास्ट प्रिंसिपल और इसके बाद हमारा चैप्टर ये खत्म, सहयोग की भावना। तो ये तो आप फिनिंग से समझ लोगे, सहयोग की भावना कि जो प्रबंध है, प्रबंध को कर्मचारियों में एकता में पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ाना या बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि जब आप सब लोग जब एक समूह में काम करते हैं और अगर आपस में सहयोग नहीं है तो जो भी आपको काम दिया गया है वो काम पूरा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे कि देखो वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, हम क्यों करें, हम ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए, बल्कि एकता बढ़ानी चाहिए और जो आपस में जो सहयोग है उसे बढ़ावा देना चाहिए। और प्रबंध के सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना चाहिए, विशेष रूप से बड़े संगठनों में, क्योंकि ऐसा ना होने पर उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे समूह होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है और वो सारे काम होते हैं, इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन करती है। अगर वो सारे काम नहीं होने लगेंगे और हर समूह अपना काम सही से नहीं करेगा तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही पड़ना है, और उद्देश्य जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के है वो प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसमें बहुत नुकसान है। तो सहयोग की भावना के पोषण के लिए प्रबंधक को कर्मचारियों से पूरी बातचीत में मैं के बजाय हम का प्रयोग करना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। इससे समूह के सदस्यों में पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा, इससे जुर्माने की आवश्यकता भी न्यूनतम हो जाएगी। तो ये थे 14 प्रिंसिपल जो प्रबंध की समस्याओं पर विस्तृत रूप से लागू होते हैं तथा जिनका प्रबंध की सोच में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ये सारे थे 14 प्रिंसिपल्स। तो यहाँ से हम लोग का चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद ये समन्वय की परिभाषा की आप लोग रीड कर लीजिएगा, और फ्योल बनाम टेलर, इसमें कंपैरिजन किया गया है हेनरी फ्योल को और एफडब्ल्यू टेलर का, कि दोनों का क्या कहना था, दोनों का फोकस क्या क्या था और क्या कैसा उनका व्यक्तित्व था, किस चीज पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया। तो ये भी आप रीड कर लीजिएगा, और इसके बाद हमारा चैप्टर होता है खत्म, सेकेंड चैप्टर ओवर। तो अभी आप पूरा चैप्टर रीड कर लीजिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब तक पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।